ये वीडियो 18 साल से बड़े अफराद के लिए बनाई गई है और इस वीडियो का मकसद इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आगाही देना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुक मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो हमारी वीडियो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो नहीं है और जो चीज़ का हम आपके सामने बयान करेंगे इस वीडियो के अंदर और डिटेल में उस हवाले से बात वगैरह भी करेंगे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम नाइट राइडर क्रीम जो है इसको और नाइट राइडर डिले स्प्रे को, मतलब इसका डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको इनकी डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे दूंगा, वहाँ पर देख लें, वहाँ पर आपको इनकी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। पहले मैं आपको दोनों निकाल कर दिखा देता हूँ और यानी कि आप कह लें मुख्तसर सा इसका अनबॉक्स कर देता हूँ और फिर इसका हम डिफरेंस वगैरह भी बताएंगे। ये मैंने कर लिया है नाइट राइडर डिले स्प्रे को अनबॉक्स समझ लें, ठीक है। यानी कि आपका जो सेक्स ड्यूरेशन है इंटरकोर्स को लॉन्ग टर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा और जो कि ये नाइट राइडर जो क्रीम है ये जो है ये भी तकरीबन सेम चीज़ के लिए, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग चीज़ के लिए, ठीक है। दोनों के बॉक्स ही होगा, अनबॉक्स हो गई, ठीक है। और ये आपको प्राइस मैं दोनों के बता देता हूँ, दोनों के प्राइस जो है 150 रुपये, इसके भी 150 रुपये। ये आपको किसी भी अच्छे केमिस्ट्री शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी, पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, 150 रुपये की चीज़ वहाँ पर आपको 200-250 रुपये की, और कुछ लोग तो 1000-1500-2000-2500 रुपये तक इसको बेच देते हैं क्योंकि इनकी चीज़ों की मार्केटिंग, ऐसी प्रोडक्ट है मार्केटिंग और पब्लिसिटी इस तरीके से की जाती है कि आवाम जो है 150 रुपये की चीज़ 2500 रुपये भी लेना मंजूर समझती है और ख़रीद लेती है, और लोग बेच रहे हैं। आप अगर सर्च करें, चेक करें, देखें यूट्यूब पर या दूसरे अगर दूसरे और प्लेटफॉर्म पर, तो ये ऐसी इस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह बाकायदा बहुत एक्सपेंसिव बिक रही हैं और ले रहे हैं। तो आप पागल मत बने, बेवकूफ़ मत बने, डायरेक्ट जाके केमिस्ट की मेडिकल स्टोर की दुकान पर ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको जो है इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले जो है अगर आप स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो स्प्रे इस्तेमाल करें, क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो क्रीम इस्तेमाल करें, स्प्रे आप करेंगे तो पहले आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लें एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ठीक है। ये इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले जो है अपने मेल ऑर्गन के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाना, नॉर्मल क्वान्टिटी में और हद से ज़्यादा कम क्वान्टिटी में भी नहीं लगाना, ठीक है। क्रीम का भी यही हिसाब है, इसको भी आपको हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी और हद से ज़्यादा कम भी नहीं करनी, ठीक है। 30 मिनट पहले आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ों में बस मेन डिफरेंस ये है कि ये क्रीम है, ये स्प्रे है, ये वाइट रंग की इसके अंदर क्रीम है और जो है और ये स्प्रे है, ठीक है। और ये स्प्रे है, जैसे कि स्प्रे होता है, आप इसको स्प्रे कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, अपनी मेल ऑर्गेन के ऊपर इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले। उसके बाद जो आपका जो है बेनिफिट्स ये होगा, आपको यूज़ तो मैंने बता दिया, बेनिफिट्स ये होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म सेक्स ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी, इंटरकोर्स जो है आपका बढ़ जाएगा, और जो है आप कह लें कि आप इससे जैसे कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मतलब आप इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने आपको इसके यूज़ बता दिया और बेनिफिट्स वगैरह भी बता दिए, साथ साथ अब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो क्या हैं, क्योंकि इस हवाले से बहुत ही कम लोग बात करते हैं और बहुत ही कम लोग बताते हैं। मैं मेन एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊँगा, पहले मैं आपको उसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात कर लूँ, बता दूँ। साइड इफ़ेक्ट ये कि जो बहुत हद से ज़्यादा जिनकी स्किन जो है जैसे कि सेंसिटिव होती है तो उस पर ये हो सकता है रैशेज़ हो सकते हैं, या फिर ख़ारिश हो सकती है, या फिर आप कह लें कि स्किन थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, खाल जैसे फटना टाइप होता है उस तरीके से हो सकती है। तो आपको करना ये कि आप इंटरकोर्स से फारिग होने के बाद अच्छी तरीके से अपने मेल ऑर्गन को वॉश करेंगे और जो है उसके बाद जो है आप ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये कि अगर आपका कुछ ज़्यादा ही हसास है तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें, ही हो सकता है, बाकी ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आपकी जो इरेक्शन को बरकरार रखेगी मेल ऑर्गन को, और काफ़ी लोग इससे बेनिफिट्स कि इस जो इसके मिलेंगे उसको तो फ़ायदा वो उससे उठाते आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी फेमस है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं जानते, ठीक है। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि जो है ना जो इसका जो जिनको बहुत ज़्यादा मेल हजरात को जो दो डिजीज़ हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जो है प्री मेच्योर इजेक्चुलेशन, तो उसके अंदर हद से ज़्यादा जिनको है तो वो इसको शायद फ़ायदा ना दे, क्योंकि जो है थोड़ी बहुत माइनर सी है तो फिर शायद फ़ायदा हो सकता है, वरना अगर हद से ज़्यादा है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। वरना आप खुद सोच लें कि 150 रुपये की प्रोडक्ट है, अगर आपका इससे प्री मेच्योर इजेक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाए तो हकीमों की दुकान है, डॉक्टरों की दुकान है, जो कई सालों से लोगों को मतलब आप कह लें लूट रहे हैं हकीम वगैरह बाकी दूसरे इस तरह के लोग, तो उनका तो काम ही आसान हो जाए, वो लोग मतलब लोग ये ले लें तो उनकी दुकानें ही बंद हो जाए, मतलब बताने का मकसद ये है। तो मतलब मेन मकसद ये है कि जो है, और बाकी जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने
कि जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है, तो जो है लेकिन मेरा ख्याल में कि जिनको हद से ज़्यादा, ख्याल नहीं बल्कि सच बता रहा हूँ, जिनको हद से ज़्यादा है तो उनको शायद इसका मतलब बेनिफिट इतना नहीं मिल सकेगा, ठीक है, और शायद ना भी मिले, ये इसका मतलब मेन बात मैंने आपको बताई है। बाकी ये कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाई है, इसका फार्मूला जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, जर्मन फार्मूला है और ये रॉयल हर्बल की है, ठीक है। और तो जी फ्रेंड्स, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस मेन जो है वो ये क्रीम है और ये मतलब आप कह लें लिक्विड जो है स्प्रे के अंदर है। बाकी मैंने इसको आपको मुख्तसर सा सब चीज़ों का इसको थोड़ा सा अनबॉक्स भी कर दिया, इसके प्राइस भी बता दिए, बाय का कहाँ से हुआ, किस तरह का यूज़ वगैरह भी बता दिए, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट भी बता दिए, और मतलब मेन थोड़ा बहुत इस हवाले से बात वगैरह भी कर ली। वाजह रहे कि इस हवाले से अगर आप और वजाहत से जानना चाहते हैं तो इन दोनों की वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ सेपरेट सेपरेट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपके सामने जो नाइट राइडर क्रीम और जो नाइट राइडर डेली स्प्रे का डिफरेंस वगैरह बताया और इस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। हमारी भी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।